हेलो फ्रेंड्स जब भी एक ब्यूटीफुल घर बनाने की बात आती है तो मार्बल एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके पास बहुत ही पॉपुलर दो ऑप्शंस है पहला है इंडियन मार्बल और दूसरा है इटालियन मार्बल जो फ्लोरिंग्स के लिए अमेजिंग चॉइसेस हैं अगर आप अपने घर के लिए मार्बल फ्लोरिंग को प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज है कि इंडियन मार्बल लगाऊं या इटालियन मार्बल तो ये वीडियो आपके माइंड मेकअप के लिए बिल्कुल सही रहेगी क्योंकि आज हम इस वीडियो में इन दोनों ही मार्बल्स का डीपली डिफरेंस समझेंगे जिससे आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस मार्बल्स के साथ जाना है ओके okay, फ्रेंड्स तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले मैं चैनल को सब्सक्राइब करने का निवेदन करूंगा ताकि आपको हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर मिलती रहे ओके फ्रेंड्स तो चलिए देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट की मार्बल क्या है तो जो स्टोन इंडिया के डिफरेंट रीजन से ऑप्टेंट किया जाता है वह इंडियन मार्बल होता है और जो स्टोन इटली की माइंस से ऑप्टेंट किया जाता है वह इटालियन मार्बल होता है मार्बल एक ब्यूटीफुल नेचुरल स्टोन है आइए इनका डिफरेंस देखते हैं पहला है ओरिजिन जहां से ये मार्बल मिलते हैं तो इंडियन मार्बल राजस्थान गुजरात आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की स्टेट से क्वैरिड किया जाता है वहीं इटालियन मार्बल नॉर्दर्न इटली से क्वेरिड किया जाता है पर आज यह इंडिया में भी इजिली मिल जाता है यह स्लैब की फॉर्म में अवेलेबल होता है दूसरा है लस्टर इंडियन मार्बल लो लस्टर मार्बल है वही इटालियन मार्बल एक हाई लस्टर क्रिस्टल अपियर वाला मार्बल है तीसरा है हार्डनेस इंडियन मार्बल इटालियन मार्बल से ज्यादा हार्ड होता है इसलिए यह एक बेटर चॉइस है इटालियन मार्बल से वहीं इटालियन मार्बल बहुत ही सॉफ्ट मेटीरियल है और अगर इसे प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जाए तो एक समय के बाद इसमें हेयरलाइन क्रैक्स डिवेलप हो जाते हैं और क्योंकि इटालियन मार्बल एक सॉफ्ट स्टोन है इसलिए इस मार्बल को एडिशनल स्ट्रेंथ और सपोर्ट देने के लिए एक बहुत ही पतला नेट इसकी स्लैब के बैक और एजिस पर ग्लूड मिंस चिपकाया जाता है ताकि इसकी साइड्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके ट्रांसपोर्टेशन के समय फोर्थ है वराइटीज टाइप्स एंड कलर्स इंडियन मार्बल बहुत सी तरह की वराइटीज और कलर्स में आता है जैसे व्हाइट पिंक येलो ग्रीन रेड और ब्लैक इनमें से कुछ पॉपुलर वराइटीज हैं जैसे व्हाइट मकराना मार्बल जो बहुत ही फेमस मार्बल है जो ताजमहल में यूज किया गया है दूसरा हाईली क्वालिटी अंबाजी मार्बल फ्रॉम गुजरात वाइडली एक्सपोर्टेड इंडियन ग्रीन मार्बल फ्रॉम उदयपुर राजनगर व्हाइट मार्बल जोधपुर पिंक मार्बल जैसलमेर येलो मार्बल और अपने क्रीमी और पिस्ता ग्रीन कलर के लिए फेमस अंधी मार्बल वहीं इटालियन मार्बल भी बहुत सी कलर वराइटीज और टेक्सचर्स में आता है तो कुछ फ्यू वराइटीज हैं जो इंस्टेंट रिकॉग्नाइजेबल हैं

जहां इंडियन मार्बल की मेंटेनेंस लो है वहीं इटालियन मार्बल की मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है हैीमियम है और इटालियन मार्बल की फिनिश लग्जरी है एथ प्राइस एंड कॉस्ट मार्बल की कॉस्ट सिटी टू सिटी और वेंडर टू वेंडर डिफरेंट है इंडियन मार्बल की स्टार्टिंग पचास रुपए पर स्क्वेयर फीट से लेकर ढाई सौ रुपए पर स्क्र फीट तक होती है वहीं इटालियन मार्बल्स में एक वाइड वराइटीज अवेलेबल होने के कारण इसकी स्टार्टिंग रेंज तीन सौ पर स्क्वेर फीट से लेकर पांच हजार पर स्क्वेयर फीट तक हो सकती है जब हम इंडियन और इटालियन स्टोन को कंपेयर करते हैं तो इम्पोर्ट ड्यूटी और इन्फ्लेटिंग प्राइस टैक्स के कारण इटालियन मार्बल ही इंडियन मार्बल से महंगे हैं यूजेज इंडियन मार्बल प्राइमरली यूज किया जाता है फ्लोरिंग बाथरूम वॉल्स काउंटर टॉप्स ऑफ द किचन बाथरूम्स और टेबल्स के लिए वहीं इटालियन मार्बल घर को एक हाई एंड लुक देने के लिए यूज किया जाता है यह फ्लोरिंग्स काउंटर टॉप्स और टेबल टॉप्स के डेकोरेटिव नहीं किया जाता okay, friends. Tenth है manpower, जहां Indian marble के लिए और लेस सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है वही इटालियन मार्बल को स्किल्ड लेबर और एक अच्छी सुपरविजन की नीड पड़ती है और इलेवेंथ है मार्बल इंस्टॉलेशन इन दोनों मार्बल की लेंग और इंस्टॉलेशन में खर्चा लगभग सेम ही आता है सौ रुपए से लेकर तीन सौ रुपए पर स्क्वायर फीट तक का तो ये है ग्यारह मेन कंपैरिजन बिटवीन इंडियन मार्बल एंड इटालियन मार्बल तो उम्मीद करूंगा कि ये जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आप लोगों को जरूर पसंद आएगी तो तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर योर ग्रेट अटेंशन गुड बाय एंड टेक केयर